दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जिसमें आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसका साइज़ है 15x30। 15x30 में आपको पार्किंग का एरिया और एक बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन के साथ ये डिज़ाइन मिलता है, और चारों साइड से क्लोज्ड है। आपका फ्रंट से ओपन है और साइड से ओपन है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सब्सक्राइबर थे, वो हमें कमेंट कर रहे थे कि सर 15x30 में एक ऐसा घर बनाइए जिसमें दो फ्लोर में लगभग 4 बेडरूम हो जाए। तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस प्लान को क्रिएट किया, जिसमें आपको बालकनी भी मिलेगी, साथ साथ आगे आपको ग्रीन एरिया भी मिलेगा और पार्किंग के लिए, बाइक पार्किंग के लिए भी जगह मिलेगी। तो इस मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे 15x30 में। तो बने शोरूम लगातार, मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं। तो जब भी आप घर बनवाएं, एक बार इस चैनल पर ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको एक नया आइडिया मिल जाएगा घर बनवाने के लिए। और जब भी आप घर बनवाएंगे तो आप यहां से कोई मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसे बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है 15x30 का, उसे डिस्कस करते हैं। तो असल में जूम करके दिखाता हूं इसको, आपको इसका रियलिस्टिक भी और समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, कि बालकनी कैसी है, छत कैसा है, इसकी रेलिंग कैसी है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज किया गया है, गेट मेन गेट कैसा है, वगैरह वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं, फ्रंट में अगर हम बात करें, ये एरिया मैंने हाईलाइट किया है, उसमें विंडो दिया है, विंडो के साथ साथ फ्रेम है, और ये आपका ग्रिल है जो कि नीचे वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, और साइड में आपकी बालकनी बनी हुई है। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये ओवरऑल इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर प्लस दिए हैं, उसके बाद ये आपकी ग्रिल बना दी है मैंने, ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। जैसे एंट्री करते तो आपको लगभग 2 से 3 फीट का आगे इस एरिया ये मिल जाता, और ये आपकी गैलरी है जिससे आप एंट्रेंस मतलब अंदर जा पाएंगे। मेन डोर के फ्रंट में एक बेडरूम है, उस बेडरूम में ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन और फ्रेम और विंडो मैंने दिया है। ये आपका गेस्ट रूम है, जा कंसीडर कर सकते हैं, या आप बेडरूम कंसीडर कर सकते हैं। जाने के लिए गैलरी से मैंने यहाँ पर डोर दिया, आप यहाँ से एंट्री कर पाएंगे। इसके बाद मेन डोर से जैसे अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है ये आपका एरिया, और इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम, और यहाँ पर आपकी स्टेयर्स हैं। क्योंकि देखिए ओवरऑल दोस्तों 15 फीट जगह है, और 15 फीट जगह में आपका ये अगर 9 फीट का बेडरूम निकलता है तो फिर 6 फीट जगह बचेगी, उसी में 5 फीट की स्टेयर्स है, ढाई जाने के लिए ढाई आने, उसी के नीचे लेटन बाथ मैंने कवर्ड किया है यहाँ पर। हालांकि लेटन बाथ छोटा रहेगा आपका, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा अगर 2 बेडरूम बनाना चाहता है। ये आपका किचन एरिया है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ रखा है। तो 2 बेडरूम, लेटन बाथ, स्टेयर्स, किचन, और आगे बालकनी, साथ साथ गैलरी भी मिल जाती है। तो एक बेहतरीन सा मॉडल अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें 2 बेडरूम 15x30 फीट में। ये देखिए, और मैं जूम करके दिखाता हूँ इसका रियलिस्टिक भी देख पाएँ, इसकी फिनिशिंग वगैरह कैसे की गई है। बात करते हैं इसके सेकेंड फ्लोर की। तो सेकेंड फ्लोर पर दोस्तों बिल्कुल सिमिलर है, ये देखिएगा बिल्कुल सिमिलर, सिर्फ आगे ये मैंने बालकनी निकाल दी है, जो नीचे आपकी गैलरी थी वह जब बालकनी यहाँ कंसीडर मैंने बना रखा है, और सिमिलर वही दोनों बेडरूम, किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर ऊपर आपका लेटन बाथ नहीं बन पाएगा, केवल नीचे ही रहेगा। तो आप जिस जगह ही आपकी किचन बनी है, यहाँ पर आप लेटन बाथ शिफ्ट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कहाँ पर शिफ्ट करते हैं, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। तो ये अगर हम बात करें और फ्रंट एलिवेशन, तो ये आपका बेडरूम के साथ बन जाता है विद ग्रिल। लास्ट फ्लोर पर भी चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में जैसा कि बालकनी था वो, और ये आपका मैंने गैलरी ग्रिल इसमें नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ बाउंड्री है, उसमें आपको स्क्वायर टाइप के कट मिलते हैं। तो ये ओवरऑल 15x30 फीट में 2 डुप्लेक्स हाउस प्लान में आपको 4 बेडरूम मिल जाते हैं। अगर आप ऐसा घर कंसीडर करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन सा डिज़ाइन आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।